हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को मेरे रूम का जो थोड़ा बहुत अगेन मैंने रिनोवेशन किया है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये ओटमाळा म्हणतो आम्ही मराठी त्याला। तो ये मैंने क्लोज कर दिया है। ये इस तरीके से क्लोज कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मैं ऐसे साड़ी डाल के इसे क्लोज करती थी, लेकिन अभी ऊपर का पूरा क्लीन करके क्लोज कर दिया है। ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी मेरा जो पुराना पार्लर था ना, उसका बहुत सामान था जो हमने ऊपर रख दिया था। तो अर्बन क्लैब से एक पर्सन आया और उसके बाद एक भंगर वाला हमने बुलाया और वो सब क्लीन करके देखिए इस तरीके से क्लोज किया है। और आप देख सकते हैं ये अलग अलग आपको कलर में लकड़ी दिख रही होगी। तो हमने घर पे नया प्लाई नहीं लाया, घर पे ही पुरानी ट्रॉलीज हमारी थी ना, उसी में से थोड़ा सा बचा हुआ ये मटेरियल था। तो उसे ऐसे उन्होंने आइडिया लगा के, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो क्लोज किया है। यानी वेस्ट जो हमारे घर पे लकड़ी पड़ी थी तो उससे हमने ये क्लोज कर दिया पूरा। जो पोटमाळा म्हणतात, मेज़नीन फ्लोर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमने क्लोज कर दिया है। और वहाँ पे एक ऐसी खिट्टी लगा दी है ताकि जब सामान रखना हो अंदर तो वो खिट्टी निकाल के दरवाज़ा है वो ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। और ये बाकी रूम तो आप लोगों ने बहुत बार देखी है। ये है हमारे दोनों कैट्स, एक डॉन बैठा है। डॉन के लिए ये इस तरीके का, हाँ डॉन के लिए इस तरीके का एक था दुपट्टा म्हणतो मराठीत, वो लाया है न्यू। तो वहाँ पे ही बैठा रहता है वो। और ये इस तरीके से अभी रूम मेरी पूरी दिख रही है। देखिए ये सब, और इसमें सब कर्चिया वगैरह रखी है। ये है हमारा मलिक, मलिक मांजर, मलिक मलिक तो फक्त झोपायला येतो आता आमच्या खोलीत। इस तरीके से अभी मेरा पूरा रूम जो है आखिरकार रिनोवेट हो गया है। रिनोवेट यानी मैं ऐसे रूम में रहती हूँ। अभी ये दरवाज़ा भी आप लोगों ने देखा। तो अभी ऐसा ही मटेरियल, ये पुराना सब फर्नीचर था तो ये मैंने खुद ऐसे सब मंगवा के चिपकाया है न्यू, फॉर न्यू लुक। तो अभी ऐसा ही ये रेड कलर है ना, ये रेड कलर है, ऐसा ही मैंने और एक शीट मंगवाया है और वो मैं यहाँ पे ऊपर चिपकाने वाली हूँ। यानी पूरा एक जैसा दिखेगा अभी रेड कलर में, जब मैं लाऊंगी तो दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी मैंने एक देख सकते हैं ये क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ओरो है और यहाँ से जो कुकिंग का ऑयल वगैरह आता है ना, उसकी वजह से ये खिड़की बहुत ख़राब हो रही थी, तेल, और वहाँ से कभी कभी छिपकली भी आ जाती थी। तो वो डोर जो है वो क्लोज कर दिया, यानी ये खिड़की क्लोज कर दी है। इसके ऊपर भी अभी मैं चिपकाने वाली हूँ ये इस तरीके का मटेरियल। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था सब,
मटेरियल, तो ऐसा मैंने और मंगवाया है। तो ये ऐसे, ये जैसे वाइट कलर, ये रेड कलर, ये मैंने घर पे ही सब रिनोवेशन खुद का खुद हाथों से किया है। ये वॉलपेपर भी मैंने रूम को कलर नहीं दिया, मैंने वॉलपेपर चिपकाया है पूरी रूम में मेरी, आप देख सकते हैं। तो ये है, ये सब मैंने हाथों से ऐसे चिपकाया है यहाँ पे। ये ऊपर का काम अभी करना बाकी है, ये वाला, तो इसको पीओपी करने वाली हूँ मैं। तो बहुत सारा काम है रिनोवेशन का, मैं जो जब टाइम मिलता है और पैसे थोड़े थोड़े जब जमा होते हैं, क्योंकि मैं कुछ नया परचेस करके ऐसे रिनोवेशन नहीं कर रही हूँ। जो कुछ मेरे पास घर पे बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है उसी में से ये रिनोवेशन चालू है। थोड़ा बहुत किया है, यानी नया प्लाय, अभी जैसे ये प्लाय है, ये नया प्लाय है, तो ये मैंने न्यू प्लाय लाया था। तो ऐसे थोड़ा बहुत नया भी लाया है, पुराना भी हमने इसमें थोड़ा वेस्ट मटेरियल, जो हमारा पुराना फर्नीचर था उसको तोड़ के वगैरह हमने इसे थोड़ा सा क्लोज कर दिया इसे, क्योंकि ये बहुत ही गंदा दिख रहा था ऊपर, और वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो अभी ये सेटी भी ठीक करवानी है, क्योंकि ये मेरे पार्लर की सेटी है, और इसका नीचे का जो पैर है वो टूट गया है शिफ्टिंग के वक्त, और ये भी सेटी मुझे इसके ऊपर सब कुशन्स बनवाने हैं, जो फोम के कुशन्स, जैसे अभी ये गादी का कुशन मैंने बनवाया, ये ऐसा कुशन इन दोनों सेटियों पे बनवाना है अभी, इस पे और इस पे, तो ये प्रॉपर बेड जैसा तैयार हो जाएगा। ये पुराना ही पार्लर का सामान है जो मैं अभी रिनोवेट कर रही हूँ थोड़ा बहुत। मेरे प्रोटीन के डब्बे यहाँ पे रख दिए मैंने इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे हैं और उसका रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी एक डब्बे में मैंने मसाला रख दिया है, तो या फिर अचार, जब मैं बहुत सारा, हमारे घर पे आम आते हैं, बहुत आम आते हैं, तो मैं अचार डालती हूँ। तो अभी देखिए, जैसे पिछले साल मैंने अचार डाला था, तो वो उसमें से इतना ही अचार अभी बाकी रह गया, इतना अचार मैंने खाया, यानी पूरा एक डब्बा भर के मैंने अचार बनवाया था, उसमें से इतना ही बच गया अभी। और हमारे घर पे नारियल बहुत आते हैं, नारियल यानी दो तीन हमारे घर पे नारियल के पेड़ है, तो मैं जब मसाला बनाती हूँ, देखिए ये घर पे बनाया मैंने मसाला खुद के हाथों से, ईच एंड एवरी चीज़, यानी घर पे ऑयल में फ्राई करके, यानी नारियल की सून वगैरह असं सगळं, त्याचा मी हा मसाला घर पे बनाया है। ना मसाला है, सो ये इस तरीके की चीजें, अचार मसाला, ये मैं घर पे बनाती हूँ, अपने हाथों से बनाती हूँ और घर के चीज़ों से बनाती हूँ, यानी आम हमारे घर पे ही है तो आम का अचार बनाती हूँ, नारियल हमारे घर पे ही है तो नारियल को सूखा के फिर ऑयल में फ्राई करके वो मसाले में डालती हूँ, इस तरीके के तरीके से। अभी इसीलिए ये सब डब्बे जो है वो मैंने रख दिए हैं, ताकि फिर से अभी जब
सीजन आएगा तो अचार बनाऊंगी, मसाला बनाऊंगी, पापड़ सब बनाऊंगी। कभी घर पे ओ, एक गेस्ट आने वाले है तो मैं पोहा बना रही हूँ। गेस्ट यानी वो मेरे क्लाइंट है, मेरे घर पे क्लाइंट आते हैं। कल भी इसको आज नहलाया है मैंने, डॉन को। जोरात नखला मारतो कधी कधी तो, इसीलिए वो उसे बांध के रखती हूँ। मलिक वैसे नहीं करता, डॉन जो है वो नाखून ऐसे नाखून से स्क्रैच करता है। तो कल भी मेरे पास गेस्ट यानी वो कस्टमर है मेरे, तो आईब्रोज वगैरह करवाने के लिए आए थे। अभी आज भी एक कस्टमर आने वाले हैं। तो घर पे मैं थोड़ा बहुत जो कोई मेरे पुराने क्लाइंट्स है, क्योंकि मेरा सदाशिवपेट में पार्लर था तो प्रॉपर वहाँ पे मेरे पास बहुत क्लाइंट्स थे, तो वो घर पे आके अभी कुछ जिनको मेरा काम पसंद है वो मेरे घर पे आके तो आते हैं उनको करके देती हूँ मैं। तो अभी थोड़ा पोहा बना रही हूँ, वो आ रहे हैं अभी घर पे हमारे। और ये सब बर्तन मैंने धो के रख दिए। ज़्यादा पानी नहीं डालने का, नहीं तो एकदम इतना पानी डाल के थोड़ा सा ऐसे पानी में मिक्स करती हूँ। और इसे 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी। ये बादशाह वाली डाल रही हूँ।
अभी मेरा फ्रिज जो है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छी तरीके से। पोहे में लेमन जो है वो मैंडेटरी है, तो नींबू नींबूड़ा कच्चा कच्चा छोटा छोटा नींबूड़ा तो थोड़ा सा ना ऐसे प्रेस करो कभी भी, तो ज्यादा इसमें से रस निकलता है। नींबू को जब भी काटना हो ना, फ्रीज में रखा हुआ होता है तो रस नहीं निकलता, थोड़ा सा ऐसे मलना है हाथों पे। अभी लेमन के जो साल है ना वो भी मैं फेंकती नहीं, इसे मैं स्टोर करके रखती हूँ और इसे सुखा के इसकी पाउडर बनाती हूँ, और ये दही में डाल के इसका एक इतना अच्छा स्क्रब हो जाता है कि आप उसमें उससे स्किन को साफ ऐसे स्क्रब करेंगे ना तो एकदम से ग्लो आ जाता है फेस पे। तो ये अभी मैं सुखाने के लिए ऐसे स्टोर करके रख दूँगी। एक प्याज को काट लेती हूँ। इस तरीके से अभी मैंने प्रॉपर रूम की डीप क्लीनिंग भी कर दी है बिफोर दिस रिनोवेशन। इतना ज़्यादा कचरा धूल थी, तो प्रॉपर डीप क्लीनिंग हुआ है मेरा रूम का भी। ऑयल
ऑयल में थोड़े मूंगफली जो है वो फ्राई करके डालती हूँ। अभी ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान। यहाँ घर के पास ही एक शॉप है हनुमान करके, तो अभी सब यानी कोरोना में जैसे हमारी सिचुएशन थी कि ये एक बार स्टोर करके रख दो, वैसे अभी सिचुएशन नहीं है। तो जैसे लगता है थोड़ा थोड़ा सामान लेके आती हूँ। तो क्या होता है यानी थोड़े पैसे जो है वो इस तरीके के कामों में मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि जब कोरोना का टाइम था तो घर पे हमें सब राशन वगैरह लगा यानी रखना पड़ता था, यानी एक महीने का सामान लेके रखो, ऐसे एक महीने का, हफ्ते भर का, जैसे भी। तो अभी इस वजह से मैंने रिनोवेशन किया, क्योंकि मंथली बजट जो है वो मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी जैसे थोड़ा बहुत काम होता है तो उससे राशन लाती हूँ, और जो मेरे थोड़े बहुत सेविंग्स है उसे मैं इस तरीके के कामों में यूज कर लेती हूँ। मेरे से ये सीख सकते हैं कि एक अकेली औरत जब घर पे रहती है तो वो खुद को कैसे मैनेज कर सकती है, खुद का, खुद घर का एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस और ग्रोसरी, और ये अभी मैं जैसे रिनोवेशन कर रही हूँ, तो ये मुझसे आप सीख सकते हैं कि मैं कैसे थोड़ा बहुत पैसे बचा के अपना जो कुछ इनकम है उसमें से कैसे करती हूँ घर पे। यानी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, तो सोचिए कितना इनकम होगा, कितना इनकम होगा उसमें से मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो या फिर जिम में जॉब करती थी तो वो भी आपने देखा है कि मैं जिम में कैसे जॉब करती थी, तो कितना ही इनकम होगा उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अपने लिए चीज़ें लाती हूँ। ये आप मुझसे सीख सकते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। ऐसा हुआ है ऊपर का रिनोवेशन, अभी कैसे दिख रहा है। पहले साड़ी दिखती थी हमेशा वीडियोस में, इतना गंदा लगता था मुझे भी, लेकिन बाकी भी खर्चे बहुत सारे होते हैं। अभी इस पे जब ये लगाऊंगी ना के ऊपर रेड कलर का, तो ये एक प्रॉपर किचन का लुक आ जाएगा यहाँ पे। रेड कलर का सनमाइका जैसे ही दिखेगा, यानी ग्लॉसी पेपर है
वो लाया है मैंने, रेड कलर का ग्लॉसी पेपर, जैसे वहाँ पे लगाया है ना वैसे यहाँ पे लगाऊंगी, तो वो ये भी अच्छा दिखेगा। अभी यहाँ पे बहुत छींटे पड़ते थे, जैसे अभी मैं देखो अभी फोड़नी बनाऊंगी ना, तो उसके छींटे उस जाली पे जाते थे, और वो जाली है साफ नहीं होती थी, वहाँ पे जाली थी तो वो साफ नहीं होती थी। जब तक प्याज हो रहा है फ्राई, तो यहाँ पे मैंने जब मैंने दिखाया था वो वीडियो जिसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को मैंने फ्रीज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ, ये है और ये धूप लाया है मैंने अभी अभी। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेते हैं, अच्छी सी स्मेल आती है। और हाँ यस, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मैंने एक मनी प्लांट लाया है, तो वो है ये, कैसा है मनी प्लांट नहीं है ये, छोटा सा एक प्लांट है, देखिए यहाँ पे रख दिया इसे।